जानवर से मुझे याद आया, कल मैंने तुम सबको पूछा था ना कि तुम्हें कौन सा जानवर अच्छा है, अच्छा लगता है, उस पे लाइनें याद करके आए हो ना। इन्होंने समर कैंप ऑर्गेनाइज किया है जो बहुत ही ऑसम है। वी आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, एक्टिंग, ड्रामा, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, सालसा, मेकअप, सो मेनी थिंग्स अंडर वन रूफ। तो बच्चे आए हैं यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे ग्रुप में प्रति के बहुत सारे बच्चे हैं, लास्ट डे हमने प्रेजेंटेशन देना है 12th of June। सो होप फॉर द बेस्ट। और कितने के एजेस के बच्चे हैं यहाँ पे? मेरे पास तो 3 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक के बच्चे हैं। तो कोई चैलेंजेस भी होता है छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों को अलग अलग फोन दिखाना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। छोटों को मतलब ईजी कराना पड़ता है, बड़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कराना पड़ता है। तो इसमें कोई लिमिटेशन भी आया या क्लब का मेंबर ही ज्वाइन कर सकते हैं कि वो आउटसाइडर कर सकते हैं? नहीं नहीं, ओनली क्लब मेंबर्स, उन्हीं के लिए लिमिटेड। ओके, तो यानी चार्जेस वगैरह फीस नहीं? नहीं, देयर नॉट चार्जिंग। ओके, तो क्लब का कोई भी मेंबर जो उनके चिल्ड्रन के बच्चे हैं वो आ सकते हैं? ओके ओके। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो डांस के अलावा रखे? आप तक ऑलरेडी अपनी देर के बारे से समर कैंप पे ऑर्गेनाइज हुआ है लोगों में बहुत क्रेज और सब इन्जॉय कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे तो फंक्शंस होते रहना चाहिए। बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टेज के ऊपर जाकर परफॉर्म करने का, उनको कॉन्फिडेंस आता है उनमें। और जैसे मंजू मैम कर रहे हैं, थिएटर करवा रहे हैं, कॉमेडी करा रहे हैं, एक्टिंग हमें लगता है डांस से ज़्यादा मुश्किल है, तो देखो क्या बनता है, लास्ट में हम परफॉर्म करेंगे। होप फॉर द बेस्ट फॉर द फाइनल। थैंक यू, थैंक यू। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को यही है कि लुधियाना में मैंने देखा नहीं कि कभी थिएटर की वर्कशॉप लगी है, और मैं अपने तौर पे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ थिएटर के लिए, पर इस बार मेरे को इतने प्रेस्टीजियस क्लब है सतलज क्लब, उनसे मेरे को कॉल आई कि एक बच्चों को एक्टिंग की क्लासेस सिखानी है, और मैं हैरान हूँ कि बच्चों में इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है कि मतलब ये एकदम रेडी है, और मैंने इनको डायलॉग दिए हैं तो कमाल बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मतलब करवा के भी मज़ा आ रहा है। और सतलज क्लब में अकीदा एक समर कैंप जो कि अनाया ठाणा जी ने यहाँ पे किया है, स्टार्ट किया है, तो संगीता मैम सालसा सिखा रहे हैं, और गगन मैम है वो मतलब कि वेस्ट चीज़ों से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी सिखा रहे हैं। बिंदिया का डांस तो सब लुधियाना में पता ही है कि बिंदिया अकेडमी बड़ा नोन फेस है। तो अभी मेरे को ये लगता है कि थिएटर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, हटके था, मुझे लग रहा था कि बड़ा चैलेंजिंग होगा, तो पर मैं कमाल है इन बच्चों में, क्या भगवान ने इनको कलाकार बना के भेजा, और मैंने इनका नाम ही रख दिया खतरनाक कलाकार। क्या कहते हो बच्चों? ओके, तो मैं कितनी एज के स्टूडेंट हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मेरे को बोला गया था कि 8 साल से ऊपर जो बच्चे होंगे उनको, क्योंकि जो थिएटर है एक्चुअली मुझे बच्चों को एक्सप्रेशन सिखाने, तो मैंने इनको टिप्स दिए, तो मतलब जो बहुत छोटा बच्चा है उसको आप एक्सप्रेशन का मतलब नहीं समझा सकते, पर मैंने इनको बताया कि जैसे हम मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो कभी हम उसके लिए नकली नहीं होते ना, जैसे एक हमें पता होता है कि उससे ऐसे ही बात करनी है, तो बच्चों को उस तरह। मेरे पास 6 साल का बच्चा भी है, 7 साल के भी आ गए जो आना चाहते मैम हमको प्ले करना है, तो मैंने उनको भी करवाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत कामयाब रहूँगी क्योंकि 12th को हमारा ये प्रेजेंटेशन रहेगी, तो एक बड़ा कॉमेडी वाला मैंने प्ले और बड़े प्यारे प्यारे डायलॉग हैं उसमें बच्चों के लिए, वो हमने तैयार कर लिया और 2 या 3 दिन में हमारा ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद रिहर्सल्स और एक मैंने मोनो एक्टिंग रखी है, वो मैंने अभी छुपा के रखा है सबसे, वो लास्ट प्ले बताऊँगी, और उसमें कुछ बोलना नहीं है, बच्चे की एक्सप्रेशन ही बताएंगे कि वो क्या क्या है। ओके, तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा जो आपने अब डांस सीखा? एक्चुअली ये हो गया हमारे के डांस सीखने के लिए, तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी आई है सीखने की। सो पहली बार जब मैं आई थी तो उसके बाद मुझे इतना मैम, तो वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे जो आप तक? मुझे भी लगा कि मैम बहुत अच्छा सिखाते हैं,
जो लास्ट है जो परफॉर्मेंस है उसके रिगार्डिंग क्या है आपकी फुल तैयारी है जब करनी बाकी है अभी तो करनी बाकी अभी लास्ट है भंगड़े में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कैसे मैं सारा सीख लिया इससे पहले किसी क्लब में या किसी ग्रुप या किसी डांस क्लब में आपने सीखा नहीं नहीं हमारा फर्स्ट टाइम है ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अगर नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ होगा समर कैंप तो परफेक्ट यस आपने यहाँ पे क्या सीखा है डांस डांस के अलावा और क्या सीखा है थिएटर आपको कैसा लगा डांस और थिएटर सीख के बहुत अच्छा बेटा बच्चों ने ओके दीपल जी आप यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी सीख रहे हैं बॉलीवुड डांस और थिएटर ओके थिएटर में आप क्या सीख रहे हैं थिएटर में हमारी मैम मंजू सेठी हमें एक प्ले करा रही हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा है उसमें बहुत मजा आता है और मैम बहुत अच्छे से भी कराते हैं ओके जो प्ले का जो थीम है वो कैसा है ट्रेजेडी है कॉमेडी है क्या है कॉमेडी है ओके तो कितने टाइम तक ये प्ले रेडी हो जाएगा ऑडियंस को दिखाना हो बस 2-3 डेज में हो जाएगा ओके इसकी प्रेजेंटेशन भी होगी लास्ट डे जैसे होता है समर कैंप के वेकेशन में हां जी